हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन की कविता है घर की याद, है ना। इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। चलिए अपन अगला काव्यांश पढ़ते हैं, ठीक है। आज आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, है ना। ये कविता है, ये इसका शब्द, इसमें शब्दार्थ देखते हैं। पानी गिर रहा है यानी पानी बरस रहा है, गिरता रहा यानी छा गया, नजर में गिर रहा यानी आंखों में तैरता है, नाच रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, पूर यानी बाढ़ या भंडार, यानी बहुत ज्यादा पानी, बहुत अधिक मात्रा में पानी। अब देखिए संदर्भ, अपन का ये प्रस्तुत काव्यांश जो अपन का ये नंबर वन कविता है, इस कविता में, इस काव्यांश में क्या है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, आरोह पुस्तक में से क्या है, घर की याद लिया गया है। और इस मतलब इसका नाम घर की याद है ना। और इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब देखिए प्रसंग, देखिए प्रस्तुत काव्यांश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता, स्वरूप कारगार, कारागार, दंड प्रवास में एक रात बारिश के समय में कवि को अपने घर की याद व्यतीत करती है। उन पीड़ा भरे भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, जो ये अपन का काव्यांश है, इसमें क्या है, कवि कवि तो क्या है, उस समय क्या थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के साथ उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन में उन्होंने बहुत मदद की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप उनको क्या है, सजा मिली थी, जेल मिला था। और उस समय जब वो जेल में थे तो उस समय क्या था, बारिश हो रही थी, है ना। बारिश में मैंने सावन का महीना चल रहा था और खूब झमाझम बारिश, यानी खूब बारिश हो रही थी। और इस कविता में, इस काव्यांश में क्या है, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है ना। तो उस समय क्या था, क्योंकि वो घर से एकदम अलग दूर थे, जेल में थे, कारागार में थे, तो उन्हें अपने घर की बहुत ज्यादा याद आती है, और वो उसके कारण क्या थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। इसमें, इस काव्यांश में कवि क्या है, बारिश के बारे में बता रहे हैं, बोले हैं आज पानी गिर रहा है यानी आज के दिन पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है यानी बारिश क्या है, लगातार बह रही है, मतलब बारिश क्या लगातार गिर रही है और तेज बारिश हो रही है। ठीक है, और रात भर गिरता रहा यानी पूरी रात, यानी दिन में भी रात में भी, मतलब क्या है, क्योंकि वो महीना कैसा था, सावन का महीना था, और सावन के महीने में तो खूब बारिश होती है, है ना। और रात भर भी पानी गिरा है और दिन भर में भी पानी गिरा, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और उस समय क्या थे, प्राण मन गिरता रहा है, और उस समय क्या है, उनको अपने घर की बहुत याद आ रही है, और उस समय वो याद करते हैं कि उनका घर क्या है, खुशियों का बाढ़ है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब घर में सब खुश है ना, घर में जो माहौल रहता है उनका बड़ा खुशी का रहता है, क्योंकि सावन में क्या है, आगे देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, है ना। तो कवि कहते हैं
कि मैं तो यहाँ कारागार में हूँ और घर में सभी लोग हैं, वो भी क्या है मेरे लिए दुखी रहे होंगे, है ना, उन लोग भी मेरे कारण क्या है क्योंकि मैं अलग हूँ घर से, तो मेरे घर वाले भी मुझे याद कर करके बहुत दुखी हो रहे होंगे, है ना, मेरे हृदय और मेरे मन में क्या है घर की यादें छा सी गई है, और वो सब यादें क्या है नजरों में तैरता यानी बहुत याद आ रहा है, और जिसके कारण क्या है हमारे कवि बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस काव्यांश में कुछ विशेष है, देखिए क्या विशेष है, बारिश का सुखद एहसास भी अपनों से दूर रहने पर व्यतीत करता है का प्रभावी चित्रण है, यानी बारिश के मौसम में अगर हम अपने परिवार से दूर रहते हैं तो हमें उनके घर वालों की याद बहुत ज्यादा सताती, बहुत ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं, है ना, गिर रहा है, इसमें क्या है यमक अलंकार है, इसमें गिरता रहा है, है ना, तो इसमें क्या है यमक अलंकार है, और संपूर्ण काव्यांश में क्या है अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। इस काव्यांश में खड़ी बोली का उपयोग किया गया है, अमुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन आंसर, इस काव्यांश में क्वेश्चन आंसर देखिए, कवि द्वारा कविता का सृजन कहाँ करता है, कहाँ करता है भाई, हमारे कवि तो कारागार में है, और क्यों कारागार उनको मिला था, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उनको क्या है जेल हो गई थी, और उस जेल में ही उन्होंने कविता का सृजन किया था, यानी कविताएं लिखी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा होने पर कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा होने पर, क्योंकि वो महीना कौन सा था, सावन का महीना था, और सावन के महीने में खूब झमाझम बारिश होती है, खूब ज्यादा बारिश होती है, जिसके और वो कहाँ पर है जेल में है, परिवार के लोगों से दूर होने के कारण उनको क्या है सावन में अपने परिवार की बहुत याद आती है, जिसके कारण वो काफी दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि की नजरों में किसकी यादें तैरने लगती है, किसकी यादें तैरने लगती है भाई, वो क्योंकि वो परिवार से दूर है, सावन का महीना है, और वो अपने घर की यादों के कारण क्या है बहुत ज्यादा दुखी है, और उनकी याद करके वो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे घर का माहौल उनकी नजरों में तैर रहा है ना, यानी वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी नजरों में घर परिवार तैरने जैसा लग रहा है, और उनका हृदय क्या है वियोग के कारण बहुत ज्यादा दुखी है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि की घर के बारे में कैसी कल्पना है, कवि की दृष्टि में घर का माहौल कैसा रहता है, उनका आनंद का खजाना है, ठीक है, क्योंकि घर में सभी स्नेह जनों का साथ रहता है, सभी लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, और अपनों के संग दूर होने का कारण क्या है वो बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, आनंद के क्षणों को वो क्या करते हैं कल्पना करते हैं कि जब मैं घर में सबके साथ में था तो वो सब याद करके वो थोड़ा आनंद के क्षणों को याद करके वो ज्यादा थोड़ा सा खुश भी होते हैं, लेकिन दूर होने के कारण क्या है वो बहुत ज्यादा दुखी है। चलिए इसका अगला काव्यांश पढ़ते हैं, कविता का अगला भाग देखिए, घर घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, ठीक है, ये देखिए ये कविता एकदम सरल भाषा में है, और ये क्या खड़ी बोली है ना, तो देखिए घर की घर में घर चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, है ना, ये इसमें शब्दार्थ देखिए, मायका यानी पीहर मैहर, है ना, मैं यानी मायका यानी माँ बाप का घर, परिताप यानी अत्यधिक दुख होना। अब देखिए संदर्भ, देखिए संदर्भ क्या है, ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से घर की याद नामक
कविता से लिया गया है जिसके कवि अपन के भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या, देखिए व्याख्या में क्या है, घर की घर में चार भाई। कवि का कहना है, कवि अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि उनके चार भाई हैं और चार बहनें हैं। ठीक है, और चार भाई और चार बहनें हैं और ये सावन का महीना है। सावन के महीने में क्या पड़ता है, राखी का त्यौहार पड़ता है और इस समय क्या है, सभी बहनें मायके आती हैं भाई को राखी बांधने के लिए। तो इस तरह से घर में सब क्या है, एकत्र हो जाते हैं और घर में खुशी का माहौल रहता है। लेकिन हमारे कवि तो जेल में है जिसके कारण वो काफी मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घर की याद कर रहे हैं और काफी दुखी भी है। उनका कहना है कि चार भाई क्या है, उनकी भुजाओं के समान है और चार बहने प्यार की प्रतिमूर्ति है। उन सभी में क्या है, आपस में खूब अधिक प्रेम है, यानी भाई और बहनों में सब आपस में बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेष, भाई बहन की याद का प्रभावी चित्रण किया गया है इस कविता में। इसमें क्या है, अनुप्रास, यमक, उपमा, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, एवं प्रश्न शैली का प्रभावी प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली तो है ही और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इस काव्यांश की क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कवि के कितने भाई बहन हैं, कितने भाई बहन है भाई, कवि के चार भाई और चार बहन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, कवि ने हाय रे परिताप के घर क्यों कहा है। ठीक है, हाय रे परिताप का क्यों कहा है भाई, कवि के चार भाई और चार बहने हैं, बहने अपने मायके आई हुई क्योंकि सावन में सब बहने कवि के क्या है, चार बहन और चार भाई हैं, बहने सावन के समय मायके आई हुई है जिसके कारण उनमें क्या है, भाई और बहनों में बहुत प्रेम है आपस में और सब एकत्रित हुए हैं और सभी एक साथ क्या है, एकत्रित होने का सभी क्या बहुत खुशी का माहौल रहता है बहुत, क्योंकि अपन भी घर में सब आ जाते हैं तो अपन लोगों के घर में बहुत खुशी का खूब क्या ही खूब मस्त रहते हैं, है ना, खूब एक दूसरे के सुख दुख को अपन लोग क्या है सब बताते रहते हैं, है ना, तो बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन हमारे कवि तो भाई जेल में है और जिसके कारण क्या है, उस सुखद पलों की याद करके कवि और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, और कवि कहते हैं हाय रे परिताप के घर कहाँ, और उन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा दुख है, उन सुखी के पलों को, उस आनंद के पलों को याद करके कवि और ज्यादा दुखी हो गए हैं। ठीक है, हाँ, सावन, अगला क्वेश्चन है, सावन महीने में बहने कहाँ आई हुई है, सावन महीने में बहने अपने मायके यानी अपने माता पिता के घर में आई हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि के भाई और बहने कैसे हैं, कैसे हैं भाई कवि के भाई और बहने कैसी है, उनमें परस्पर बहुत अधिक स्नेह है, बहुत ज्यादा स्नेह है उनमें, है ना, और वे एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। अपना एक आवाज का थोड़ा छूट गया बेटा, देखिए घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार बहन चार नहीं चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने, यानी घर के घर में सब जुड़े हैं, यानी ये कि सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें सभी लोग कहाँ पे मायके आ जाते हैं, सभी बहने क्या है मायके आती है और वहीं पे क्या है, क्योंकि राखी का त्यौहार होता है और बहने तो भाई को राखी बांधने आती है सावन में, तो और चार भाई तो पहले से ही हैं, है ना, और चार बहनें और आ गई हैं, तो इनमें क्या है बहुत ज्यादा स्नेह है, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ये लोग और ये क्या करते हैं, सब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, घर में सावन के समय बहुत खुशी का माहौल है, बहुत मतलब सब एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को बहुत मतलब पसंद करते हैं, स्नेह करते हैं सब में, क्योंकि भाई बहनों में स्नेह तो रहता ही है, है ना। तो जो हमारे कवि है जेल के अंदर है और वो जेल में क्योंकि वो अपने परिवार से दूर है और उसके कारण क्या है, वो खुशी के पलों को याद करते हैं कि इस समय ऐसा हो रहा है, अपन भी तो घर में जाते हैं ना, तो घर के माहौल अपन को मालूम है कब कौन कैसा आता है जाता है ना,
जब सब आते हैं तो घर में आनंद का माहौल हो जाता है। तो कवि कल्पना करते हैं कि इस समय ऐसा मतलब माहौल रहा होगा, सब इतने खुश हो रहे होंगे, है ना, और मैं यहाँ जेल में अकेला हूँ करके, है ना। तो वो वही आनंद के पलों को याद कर करके कवि और ज्यादा दुखी हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला कविता का आगे वाला देखते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की सबकी गोद में से दख लिया तो दुख नहीं फिर, है ना। माँ की जिसकी इसने धारा का यहाँ तक भी पराया पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पातन। ठीक है, तो कवि कहते हैं, है ना, तो इसका संदर्भ क्या है, वही है ये कविता हमारी आरंभ पुस्तक से घर की याद नामक कविता से लिया गया है और जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, है ना। अब देखिए कवि क्या करते हैं, अपनी माँ के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि घर में क्या है, उस समय सावन का महीना है, खूब झमाझम बारिश गिर रही है ना, और वो अपने घर में सभी भाई बहनों की याद करते हैं और साथ में माता पिता की भी याद करते हैं। वो कहते हैं कि माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह घड़ी मेरी, वो कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन दुख में वह घड़ी मेरी, मेरे दुख से वो बहुत ज्यादा दुख भी हो जाए, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, किंतु माँ की गोद में सिर रखते ही मेरी सारा दुख दूर हो जाता है, है ना। तो माँ के इसमें भरा सुखद अनुभूति उन्हें और ज्यादा कारागार में दुखी कर देती है, ठीक है, और वो अपनी माँ के अतीत की यादों में वो क्या है डूब जाते हैं, वो अपनी माँ को बहुत याद करते हैं, है ना। माँ की जिसकी इसने धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कभी कहते हैं कि मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ, और वो जब मैं उनकी गोद में अपना सिर रखता हूँ तो मेरा सारा दुख क्या है दूर हो जाता है, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि माँ की स्नेह धारा यानी उनके उनकी छाया में मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और क्योंकि अपन हर कोई माँ की गोद में अगर अपना सिर रख के माँ की स्नेह छाया में तो हर कोई सुखी हो जाता है ना। तो कवि कहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता, यानी मेरी माँ तो पढ़ी लिखी है ही नहीं है जो लिख कर मेरे को कुछ संदेश कहाँ कारागार में भेजे, है ना। और कवि कहते हैं कि उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है जो कि मेरे लिए कारागार में वो चिट्ठी लिखे या पत्र लिख के अपना अपनी बात मेरे तक पहुंचा सके, अपना संदेश मेरे तक पहुंचा सके, क्योंकि मेरी माँ को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, ये कवि बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपनी माँ के बारे में कवि ने क्या कहा है, ठीक है, अपनी माँ के बारे में कवि ने कहा है कि वह तो पढ़ी लिखी है ही नहीं है, उसने अपने जीवन में दुख और संघर्ष का ही सामना किया है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो क्या है हमेशा कोई भी दुख होता है, कोई भी मुसीबत आती है तो वो क्या है उनका संघर्ष भरा जीवन भी उन्होंने देखा है और वो हर दुख में हर संघर्ष में वो उन्होंने उसका सामना किया है। अगला क्वेश्चन है, माँ की गोद की क्या खासियत कवि ने बताई है। ठीक है, कवि अपनी माँ की गोद में खासियत बताते हैं कि माँ की गोद में परम सुख का आनंद मिलता है, उसकी गोद में सिर रखते ही बड़े से बड़े दुख क्षण भर में दूर हो जाते हैं, यानी अब कोई भी बात हो अपन अपनी माँ को बताते हैं तो माँ मतलब माँ के प्यार के कारण अपन अपने सारे दुख को भूल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जेल प्रवास के दौरान कवि की माँ उसकी खोज खबर क्यों नहीं लेती। ठीक है, जेल प्रवास के दौरान कवि की माँ उनकी खोज खबर इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ही नहीं है,
जिसके कारण वो पत्र लिखने में असमर्थ है। वैसे भी माँ का दिल तो सदैव बच्चों से जुड़ा ही रहता है, इसलिए उसे खुद ब खुद उसकी खबर उसके पास तक पहुंच ही जाती है। ये है ना हमारे मन की बात, सबसे पहले माँ बहुत जल्दी जान जाती है। अपन अगर खुशी खुशी माँ के सामने जाएंगे तो माँ तो समझ जाएगी, अगर वैसे अपना चेहरा लटक जाएगा उदास हो जाएगा तो माँ तो खुद ही तुरंत मतलब जान जाती है कि मेरा बच्चा खुश है कि दुख है ना। तो माँ के पास, माँ की छाया के पास आने से, माँ की गोद में अपना सिर रखने से, उनके पास बैठने से अपने सारे के दुख दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घर से दूर जेल प्रवास में माँ के बारे में कवि को कैसा एहसास होता है? घर से दूर जेल प्रवास में माँ के बारे में कवि को माँ के स्नेह और लाड़ दुलार का एहसास होता है। कवि की माँ स्नेहमयी है, कवि भी हृदय से अपनी माँ के स्नेह प्रेम से जुड़े हुए हैं, यानी हर बच्चा माँ से प्रेम के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अपन का ये अपन ने कविता का ये बड़ा ही मार्मिक कविता अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर है, ये सब नाम मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप सब लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन यहीं पे आप स्टॉप करते हैं, क्लासेस ओवर। किसी को कोई डाउट है? हेलो, किसी को कोई डाउट है? अच्छा चलिए, क्लासेस ओवर।